ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, ओ माय गॉड 2 का टीजर रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर सेक्स एजुकेशन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। उसी बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए इस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कई बार मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग बस अपने आप को कूल दिखाने के लिए, मॉडर्न लगने के लिए, प्रोग्रेसिव लिबरल लगने के लिए कुछ ऐसी बातों का समर्थन कर देते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद ही पूरी जानकारी नहीं होती, और अनजाने में वो ऐसी बातों का समर्थन कर बैठते हैं जिनकी आड़ में कुछ बहुत ही भयावह ऐसे एजेंडाज को प्रमोट किया जाता है। विशेषतः जो बातें बच्चों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, भयावह है। देखिए, जिन्हें जिन बातों का समर्थन करना है बिल्कुल कर सकते हैं, सभी स्वतंत्र है। मैं यहाँ पर जो बातें बता रहा हूँ बस मेरा व्यक्तिगत मत है, किसी को भी मुझसे एग्री होने की आवश्यकता नहीं है। पर कम से कम जो बातें हमें दिख रही है अपनी खुली आँखों से, उनके बारे में हमें पता तो हो, उस पर कम से कम चर्चा तो हो। देखिए, अभी दो दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, मिस नेदरलैंड्स का जो पुरस्कार है वो रिकी वलेरी नाम की एक ट्रांसजेंडर मॉडल को दिया गया। फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल कहा गया ये किताब जीतने वाली। मतलब बायोलॉजिकली वो एक पुरुष है, मेल है, पर बाद में उसने अपने आप को एक स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई किया और ये जो मिस नेदरलैंड्स का पुरस्कार है वो उसे दिया गया है। जो रनर अप है, यानी दो नंबर जिसका आया है इस कंपटीशन में, उसका नाम है नथैली मकबलज़ादा, और एक नंबर पर ये ट्रांसजेंडर मॉडल है रिकी वलेरी। और वेस्ट में तो इस विषय को लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है। मैंने इस पर भाई 20-30 वीडियोज़ में ऑलरेडी बना चुका हूँ, बहुत बार हमने इस पर चर्चा की है, पर बात यह है ना कि वो वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुँचे नहीं हैं, और अभी सेक्स एजुकेशन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो पता तो होना चाहिए ना लोगों को हम किन बातों को प्रमोट कर रहे हैं, इसमें कौन से विषय आते हैं जो बच्चों को सिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। वेस्ट में अभी अलग अलग जो स्पर्धाएँ होती है, चाहे वो एथलीट्स हो या फिर ऐसी जो मॉडल्स होती है, जो फैशन शोज़ होते हैं, उनमें जो कॉम्पिटिशन होती है, उसमें काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि क्या ऐसे पुरुषों को जो अपने आप को बाद में स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को ट्रांसजेंडर गर्ल या वुमेन कहते हैं, उनको ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं। दिया भी जा रहा है ऑलरेडी, पर इसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। इवन स्कूल कॉलेजेस में जो बाथरूम्स होते हैं वहाँ पर भी उन्हें यूनिसेक्स बाथरूम, यानी स्त्री लड़कियों के लिए जो गर्ल्स वॉशरूम है उसमें लड़कों को जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वो लड़के अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसको लेकर कई सारी लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं सामने आई है, उनको सेक्सुअली अब्यूज किया गया है ऐसे लड़कों के द्वारा जो अपने आप को लड़की के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर गर्ल कह रहे हैं। ये बहुत भयानक समस्या है, इनको लेकर वहाँ के कोर्ट्स में इसको लेकर कई सारे अलग अलग केसेस चल रहे हैं। जेके रोलिंग ने तो इस पर कई बार चर्चा की हुई है, जेके रोलिंग का मेरा वीडियो आप अवश्य देखना, इसको लेकर बहुत बार चर्चा हुई है, और ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये सच में हो रहा है। बस कोई भी लड़का कल को अपने आप को लड़की बताकर लड़कियों के बाथरूम में जा सकता है। केवल यही नहीं, जेंडर फ्लूइडिटी जैसे कंसेप्ट्स हैं, मतलब रोज़ आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, हर घंटे कर सकते हैं। अभी मैं स्त्री हूँ, थोड़ी देर बाद मैं पुरुष बनूंगा, थोड़ी देर बाद मैं नॉन बाइनरी, उसके बाद मैं पता नहीं 80 प्रकार के जेंडर्स हैं, सब नाम मैं याद नहीं रखता हूँ। ये सच में हो रहा है। अमेरिका के आर्मी में इन सब बातों को अलाउ किया जा रहा है। जो बाइडेन ने इस पर क्या कहा है, वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली जो वीडियो अनाउंस किया है इसको लेकर, वो सारी बातें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पर एक एक करके हम बात करते हैं। मैं आपके साथ में वो वीडियोज़ ही साथ में देखने वाला हूँ। सबसे पहला जो वीडियो है वो है ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है, जैसे भारत में दूरदर्शन है वैसे वहाँ का जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है ABC ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने छोटे बच्चों को टारगेट करते हुए एक छोटी सी एनिमेटेड फिल्म उन्होंने रिलीज़ की, शॉर्ट फिल्म। उसमें एक लड़का है जो अपने आप को लड़की के रूप में अपना जेंडर चेंज करने का समर्थन कर रहा है, कैसे उसे प्यूबर्टी ब्लॉकर्स लेने चाहिए, उसको इसका अधिकार मिलना चाहिए, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, आम बात है, जेंडर चेंज करना, अपने गुप्तांगों को काटना या प्यूबर्टी ब्लॉकर्स लेना, इन सब बातों को नेशनल ब्रॉडकास्टर पर प्रमोट किया जा रहा है। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हम साथ में देखने वाले हैं। और एक और बात, ये वीडियोज़ दिखाने से पहले देखिए, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ अक्षय कुमार के फैंस वगैरह है या PR team है, मैं नहीं जानता, वो कुछ आर्टिकल्स वगैरह शेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई फिल्म में कोई होमोसेक्सुअलिटी को लेकर कोई बात नहीं है, यानी कोई LGBTQ विषय से जुड़ा हुआ कुछ भी बात उसमें नहीं दिखाई गई, ऐसा वो कह रहे हैं। पर देखिए, फिल्म का विषय सेक्स एजुकेशन को लेकर है, ऐसा हमें जानने को पढ़ने को मिलता है मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, या IMDb पर भी लिखा हुआ है। तो भले ही फिल्म में डायरेक्टली LGBTQ ये शब्द उपयोग ना किया गया हो, पर जब आप सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत ये सारी बातें आती है,
चाहे वो जेंडर आइडेंटिटी से जुड़ी हुई बातें हो, ट्रांसजेंडरिज्म से जुड़ी हुई जो बातें जिन्हें कहा जाता है, या अलग अलग जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, अलग अलग जो जेंडर्स है, वो सारी बातें उसमें इंक्लूड होती है, आती है। चलिए, people think that I'm not really a girl, but I am a girl. I'm 10 when I was younger. I just didn't feel right and everything felt wrong. I like saw girls with hair brushes and like Barbies and like them having cool long hair. I'm like, ooh, I want that hair. I'd like that dress. I knew that I wanted to be a girl and I was a girl, but I didn't really know what to say or how to say it or if it was true. I remember this day, I was playing with my big sister. We were playing a game and something felt wrong and I just said to her, I'm a girl and that's who I am. It made me feel kind of nervous that like people wouldn't accept me for who I was because they've always known me as a boy. My friends and my family were very acceptant and I don't know if they really knew what I was going through. I want them to see me as a proud transgender girl, but not always to think, oh, you're trans, but like to say, I'm a girl and that's who I am and that's who I will always be. I'll be on puberty blockers soon and that's just gonna be like pausing really my body from growing into what I don't want it to be. I am who I want to be. I can do what I want to do. If someone's trying to say, no, you can't, I'm not related to that person. I'm not like, they're not me. They don't know how I feel and who I want to be. Should Mike Tyson. आपने देखा, एक छोटा 10 वर्ष का लड़का दिखाया गया है जो कहता है कि भाई बचपन में मुझे लड़कियों के ड्रेस या लड़कियों के खिलौने उसकी तरफ आकर्षण बढ़ा तो मुझे लगा कि भाई मैं लड़की हूँ और ये मैं हूँ जो हूँ, ये ऐसा ही मैं फील करता हूँ। और वीडियो के अंत में उसे ये कहते हुए दिखाया है कि भाई मैं जैसा चाहूँ वैसा बनूँगा और उसमें अगर कोई कहता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं हो तो उस पर्सन से मैं रिलेटेड नहीं हूँ। तो पेरेंट्स अगर कल को आकर कहते कि नहीं नहीं ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, तो बच्चों के दिमाग में बात डाली जा रही कि भाई वो पेरेंट्स तुम्हारे नहीं हैं, वो तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम उनसे रिलेटेड नहीं हो। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स लेना तो तुम्हारा अधिकार है। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स यानी जो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में, वो ना हो। जो एक कौमार्यावस्था में कोई भी लड़का या लड़की आती है, शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो ना हो, इसके लिए। और फिर आगे जाकर फिर वो सेक्स चेंज ऑपरेशन, गुप्तांगों को काटना, ये सारी बातें छोटे बच्चों के दिमाग में डाली जा रही है। केवल यही नहीं, अभी कुछ महीने पहले की ही न्यूज़ है, न्यूयॉर्क फैशन वीक में जो फैशन शो होता है उसमें एक 10 साल की बच्ची को फर्स्ट यंगेस्ट ट्रांसजेंडर मॉडल के रूप में उसको रैंप वॉक कराया गया। उस लड़की के जो पेरेंट्स है वो अपने आप को नॉन बाइनरी कहते हैं और वो पेरेंट्स उन्होंने अपनी बच्ची को ये इस प्रकार से ट्रांसजेंडर मॉडल बनाकर रैंप वॉक करवाया। और जो मैंने उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़े उसके अनुसार वो जो लड़का है जो अपने आप को बाद में लड़की के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है, वो लड़का जब 2 वर्ष का था तभी ये कहा गया कि भाई उसको पता चल गया कि वो लड़का नहीं है वो लड़की है, 2 वर्ष का। उसके बाद में जब वो 4 वर्ष का था तब उन्होंने सोशली सबके सामने ये बातें सामने लाई। फिर जब वो 6 वर्ष का था उसके बाद में वो जेंडर क्लिनिक लेकर के गए और फिर उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट था वहाँ से उन्होंने उसका लिंग जो सेक्स है वो उन्होंने बॉय से गर्ल करवाया। और ये उसको ये इस प्रकार से रैंप वॉक करवाना, कई सारे मिलियन डॉलर्स में उसको क्या कहे एंडोर्समेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, क्योंकि पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम है इन बातों को प्रमोट करने के लिए। पूरी फार्मा इंडस्ट्री इसके पीछे बैठी हुई है, उनको तो एक जीवन भर के लिए एक कस्टमर मिल गया ना, जो जीवन भर के लिए हार्मोन्स लेगा, ये दवाइयाँ, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स, डिप्रेशन एंग्जाइटी से लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के पिल्स, इसके ऊपर ही उसको जीना पड़ेगा। क्योंकि एक पूरा शरीर हम चेंज कर रहे हैं, जो पेन किलर्स, ड्रग्स लेने पड़ेंगे, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की पिल्स लेने पड़ेंगे, जो हार्मोन्स की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, एक जीवन भर के लिए उनको कस्टमर मिल रहा है। और ये बातें धड़ल्ले से प्रमोट की जा रही है, सोचिए ऑस्ट्रेलिया के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर ही है। और ये बातें कोई मुझे बता दे कि सेक्स एजुकेशन में ये बातें आती है या नहीं। अमेरिका के स्कूलों में पेरेंट्स वहां पर आकर विरोध कर रहे हैं इन बातों का, वो वीडियोस भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, दिखाऊं अभी, आगे सुनिए। Should Mike Tyson, have you heard of him?
Yes, I have. If he identifies as a female, should he be allowed to enter a boxing match with a biological female? Well, the short answer is yes, somebody who is trans. सुना आपने, वो जज है शायद, उन्होंने पूछा कि भाई माइक टायसन अगर कल को अपने आप को स्त्री कहकर लड़कियों के बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जब वो अगर आने के लिए कहता है तो क्या वो सही है? तो सामने जो व्यक्ति वो कह रहा है कि हाँ, इसका संक्षेप में उत्तर यही है, हाँ वो कर सकता है ये। और अब ये बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो शायद दूसरी तीसरी कक्षा के ही होंगे, जो प्राइड मंथ था पिछले महीने, उन बच्चों को किस प्रकार से ये बुलाया गया देखिए स्कूलों में, पूरा ये रंग बिरंगी टोपियाँ आदि पहना कर, और उनके दिमाग में बचपन से ये बातें कैसे डाली जा रही है। और केवल एक वीडियो मैंने दिखाया है, ऐसे कई सारे वीडियोज़ आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। प्राइड मंथ में इन छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर लाकर रैलीज निकाली जा रही है। आपने देखा, ये जो अभी लड़का आपको दिख रहा है उसके यहाँ पर छाती पर आपको घाव दिख रहे होंगे, वो लड़की था पहले, उसने अपने स्तनों को काट लिया और अभी वो लड़का बन गया है। उससे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कि तुम भाई हो क्या, हमेशा से भाई थे? तो वो कहता नहीं, मैं पहले सिस्टर था, बहन था पहले, और वो अभी अपने आप को उसने लड़का बना लिया है। आगे देखिए। मुझे लड़का बनना था। एक और लड़का जो 3 weeks पोस्ट ऑपरेशन, 3 हफ्ते ऑपरेशन के बाद, स्तन काटने के बाद में, ये एक और महिला है जो पहले स्त्री थी, और वो जो भी स्तन काटने को लेकर जो भी जेंडर अफर्मेशन सर्जरी वगैरह वो उन्होंने करवाई, और वो उत्तर दे रही है कि क्या अभी मुझे कुछ नर्वस फील होता है जब मैं टॉपलेस होकर के बैठती हूँ बाहर लोगों के सामने, क्योंकि वो पहले स्त्री थी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए जिसको अपने शरीर के साथ जो करना है करे, आप एक बार 18 वर्ष के हो गए, बालिग हो गए, जो करना है करिए, पर बच्चों के दिमाग में बातें डाली जा रही है, ये सबसे ज़्यादा भयानक है। और अगर कोई कहता है कि भाई बच्चों के लिए ये नहीं है, तो भाई ये बच्चों को ही सबसे पहला इनका टारगेट है, क्योंकि आप सेक्स एजुकेशन या ये बातें जब आप बचपन से बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं, जिस आयु में उन्हें अपने करियर पर, अपने भविष्य पर फोकस करना चाहिए, जीवन में संयमित जीवन जीने की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए, उस समय अगर उनको मन की वासनाओं के पीछे भागना आप सिखाओगे तो उसके क्या परिणाम होंगे? देखिए वीडियो आगे। About being shirtless once I came out, once I had top surgery. The short answer is no. चलिए आगे चलते हैं। So I was never top body. So there is no shame whatsoever. Wanted everybody to thank my daddy for letting me be who I wanted to be. 6 वर्ष का बच्चा है, अब ये उसको कैसे ट्रांजिशन किया जा रहा है? देखिए, जो लड़का है जन्मतः बायोलॉजिकली शारीरिक रूप से लड़का है, उसके पेरेंट्स अपने आप को जो लिबरल वोक मानते हैं बहुत, ये क्या बच्चों के शरीर के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? कुछ आपको ठीक है, लिफ्ट का इकोसिस्टम आपको सर पर उठा कर नाचेगा, आपको कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह मिलने लग जाएंगे, किसी फैशन शो में रैंप वॉक करने को मिल जाएगा, तो इसके लिए बच्चों के जीवन के साथ ये बातें क्यों उनके दिमाग में ये बातें डालना है? देखिए 6 वर्ष के बच्चे को लड़की बनाया जा रहा है, और ये ऐसे भी मैंने इससे पहले भी ऐसे कई सारे वीडियोज़ दिखाए हुए हैं, ये मैं दूसरे वीडियोज़ दिखाई, इससे पहले अलग वीडियोज़ मैंने दिखाए हुए हैं। वर्ष की आयु में उसको जेंडर क्लिनिक लेकर के गए, वो मतलब पहले बाल वगैरह जो कुछ भी है उन्होंने लड़कियों की तरह उसके बाद अभी जेंडर क्लिनिक भी लेकर के गए। अब वहां पर क्या किया जाएगा? प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, हार्मोन चेंज, सेक्स चेंज ऑपरेशन, जो भी है 9 वर्ष की आयु में। Whether you like it or not,
transgender kids exist, and transgender kids deserve access to transgender healthcare. ट्रांसजेंडर किड्स एग्जिस्ट करते हैं भाई, बच्चों को क्या मतलब, उनको जेंडर चेंज करने की बातें दिमाग में डालना ही क्यों है? बच्चे जब जेंडर चेंज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए उनको, तो आप उनको ट्रांसजेंडर कैसे कह सकते हैं? आप उनके दिमाग में बात कैसे डाल सकते हैं कि भाई आप बायोलॉजिकली जिस शरीर से हैं वो आप हो ही नहीं? और ये उसी बात का समर्थन कर रहे हैं कि ये कैसे सही है और उनको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स हो या ये सब बातें कैसे मिलनी चाहिए. We need to take that seriously. The unaliving ideation rate for transgender youth in 2021 was above 50%, and 20% of transgender youth made an attempt on their lives. This problem is solvable. It's solvable through social acceptance and access to healthcare. What healthcare looks like for a transgender child is access to therapists, access to pediatric endocrinologists, and things like puberty blockers and hormones. Puberty blockers, my or hormones. Child wants to grow up being a female, and with me, believe it or not, I take off my hat, I look like a male. I don't think of myself as a female, I think of myself as a pansexual. I am a male trapped in a female's body, and honestly, if my child doesn't have to have the gender on his birth certificate, that'd be f***ing awesome. If he wants to become a girl later on, I'm so for it. I'll tell him, what hospital do you want to go to right now? We have both a vagina. जो आपको महिला दिख रही है वो अपने आप को कह रही कि मैं एक पुरुष हूँ जो महिला की बॉडी में ट्रैप हो गया हूँ, क्योंकि ट्रांसजेंडरिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो यही कहती है, जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है वो यही कहता है कि आप ट्रैप्ड हो एक अलग दूसरी बॉडी में, बाद में जाकर आपको पता चलता है. तो वो कहती है कि भाई अपने आप के बारे में बताया और फिर कहा कि मैरिज, अगर बच्चे जो है वो भी अगर अपना जेंडर बदलना चाहते हैं या कुछ अलग जेंडर के साथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो मुझे तो ये खुशी होगी, फकिंग ऑसम कहा ये तो बात, और मैं तो उनको क्लिनिक लेकर के जाऊंगी तुरंत. और क्लिनिक में क्या होता है वो तो मैंने आपको बताया ही. एक और उदाहरण देखिए, पीछे करते हैं. I'm so for it. I'll tell him, what hospital do you want to go to right now? I have both a vagina and a surgically constructed penis. My body finally felt like home. My journey was one of the first ever bigenital or non-binary confirmation surgeries. A vaginal preserving phalloplasty is the surgical creation of a penis without removing the vagina. My experience leading up to surgery was difficult. I went from surgeon to surgeon. When I explained what it was I needed, I would get laughed out of the office. When I got my cake pops removed, I typically asked my surgeon to leave the bag intact. That's because down the line, if I wanted to use my cake pop stick and turn it into a donut, the bag can come in handy. There are a couple methods that use the bag itself, but the one that I'm referring to is called the cake pop stick inversion method. What they do is they take the cake pop stick and they turn it inside out, essentially turning the inside of the cake pop stick into the lining of the donut. Once the lining is in place, they can take the bag and use pieces of it to create the exterior of the donut. The inversion method is one of the most common ways that you see trans women get their donut. There are a lot of doctors who are very familiar with this method and very good at it, and you hear about a lot of success stories. I probably wouldn't do this method if I were going to get a donut, although I'm not sure I want one in the first place. One of the drawbacks of this method is that your donut cannot self-glaze. You are going to have to manually glaze your donut every time you want to serve it. I'll cover some of the self-glazing donut options in a future video. I want to talk to the kids. Bye. चुप. देखिए मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता जो उस व्यक्ति ने कहा कि एक पेनिस को हटाकर, लिंग को हटाकर, उसकी जगह वजाइना बनाने की जो प्रोसीजर है, पेनिस को कैसे अंदर डाला जाता है और जो अंडकोश है उनकी जो थैली है उनको रखने के लिए कहा सर्जन को उन्होंने, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो कुछ भी बातें उन्होंने कही है. आप दोबारा से बैक जाकर सुन सकते हैं क्या बातें उन्होंने कही है. I want to talk to the kids. Biological sex is fake. Yes, we all know. Our products don't equal your gender. I care about you. God is non-binary. Day 12 of being a girl, and we're going to go buy tampons. Let's go. Like, where does that go? Oh my God, what the hell?
ये पढ़िए आप क्या लिखा है यहां पर. मी ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू समवन हाउ आई एम स्टिल ट्रांस मास्क एफ टू एम. ट्रांस मास्क मतलब पहले फीमेल, वो अपने आप को बाद में मेल बताने लगता है. ट्रांस मैस्कुलिनिटी उसको कहा जाता है संक्षेप में, ट्रांस मास्क. तो इवन दो आई अपियर फेमिनिन बाय चॉइस, मतलब वो लड़की है जन्मतः बायोलॉजिकली शारीरिक रूप से, पर बाद में उसने अपने आप को एक मेल के रूप में, पुरुष के रूप में बस आइडेंटिफाई किया है. आइडेंटिफाई तो किया पर अपने शरीर को उसने चेंज नहीं किया. फेमिनिन बाय चॉइस मतलब एक स्त्री के रूप में दिखने को उसने अपनी चॉइस से चुना है, अपने मन से चुना है कि भाई मैं स्त्री के जैसा ही दिखना चाहती हूँ, बायोलॉजिकली भी स्त्री के जैसी ही हूँ, पर अपने आप को पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई मुझे करना है. समझे आप? आगे और आगे सुनिए. गाइड्स ट्राइंग टू कन्विंस मी देमसेल्व्स दे आरंट एक्चुअली गे फॉर मी कॉज आई हैव द एनाटॉमी ऑफ अ वुमन. तो लड़के फिर उसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई वो गे नहीं है क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से लड़की है, क्योंकि तुम्हारा शरीर एक लड़की के जैसा है तो हम तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है, तो हम गे नहीं है, जबकि वो लड़की अपने आप को एक पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई कर रही है. काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको ये, पर जो भी है आप खुद समझ जाइए. जो मेरे लिए खुद ही ये बहुत कन्फ्यूजिंग है. और जो मैंने बात कही, ये जिस जो बायोलॉजिकली हम कुछ अलग है, हमारा रियल जेंडर कुछ अलग है, ये अमेरिका की जो आर्मी है उसमें भी इसे अलाउ किया गया है. जो अपने आप को ट्रांसजेंडर मानते हैं, यानी बायोलॉजिकल जेंडर से अलग अपने आप को जो मानते हैं, उन्हें अभी अमेरिकन आर्मी में लेने की परमिशन दे दी गई है. सुनिए जो बाइडेन ने क्या कहा. As Commander in Chief, I was proud to have ended the ban on transgender Americans serving in the United States military. वहां के जो पूर्व सैन्य अधिकारी है अमेरिका के, वे इसकी कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे हैं कि हमारे फोर्सेस में ये आप कैसे अलाउ कर सकते हैं. परेशान है लोग वहां पर, जो बच्चियों के साथ में स्कूलों में रेप हो रहे हैं, सेक्सुअली जो अब्यूज किया जा रहा है लड़कों को, जो अपने आप को लड़की के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, उनको लड़कियों के बाथरूम में जाने दिया जा रहा है, इन सब बातों को लेकर वहां पर अनगिनत लोग परेशान हैं. जेके रोलिंग जैसी ऑथर अगर उस पर अपनी आवाज़ उठाती है तो उसको सोशल मीडिया पर लिंच किया जाता है, डेथ थ्रेट्स दिए जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी अगर ये कह देते हैं कि भाई जो बायोलॉजिकली फीमेल है वो वुमेन है, वो बस इतना कह देते हैं तो भी उनको लेफ्ट का, लिबरल्स का और वोक्स का पूरा इकोसिस्टम टारगेट करता है. ये सच में हो रहा है, विश्वास नहीं होता पर ये सच में हो रहा है. और मुझे कोई बताए कि ये जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, या जो अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज कर रखे हैं, चाहे वो पैनसेक्सुअलिटी हो, बायसेक्सुअलिटी हो, ओमनीसेक्सुअलिटी हो, या होमोसेक्सुअलिटी हो, अलग अलग प्रकार के जितने भी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज कर रखे हैं, क्या ये बातें सेक्स एजुकेशन में आती है या नहीं ये सारी बातें. और मैं फिर से कहूँगा, जिसे अपने जीवन में जो करना है करे. आप एक बार बालिग हो गए, 18 वर्ष के हो गए, जो करना है करो, पर इन बातों से दूसरों को एग्री होना चाहिए, या इन बातों को दूसरों को नॉर्मल मानना चाहिए, या फिर बच्चों के दिमाग में ये बातें डाली जानी चाहिए. ये आप कम से कम दूसरों पर फोर्स मत करिए. आपको अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना है करो. अपनी चार दीवारी में आप क्या कर रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है. पर दूसरों को इससे एग्री होना चाहिए, या दूसरों को इसको नॉर्मल मानना चाहिए, या बच्चों के दिमाग में डालने वाली जो बात है वो सबसे ज़्यादा भयावह है. अब OMG2 में मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई LGBTQ के एजेंडा को सामने लाएंगे, या जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा को ला भी सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर चलो वो बातें नहीं होगी. पर जो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करना इसका जो विषय बताया जा रहा है, वो मुझे कम से कम प्रॉब्लमेटिक लग रहा है. बाकी आपके इस पर क्या विचार है मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना. ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम, वंदे मातरम.